हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। दोस्तों आज हमारे पास जो है यहाँ पे साबुन, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो है संतूर के जो है दो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और एक जो है हिमालया जो साबुन आता है हिमालय कंपनी के उसका एक फ्लेवर है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है अभी हम क्या बोलते हैं गर्मियों के मौसम में जो है आ चुके हैं और उस टाइम पर जो है किस तरीके के साबुन जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। वैसे तो हर किस्म की सीज़न में अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, बट फिर भी जो है सर्दियों में अलग टाइप के साबुन यूज़ करते हैं, गर्मियों में जो है वो सर्दियों के टाइम के तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा भी जो है बहुत सारे अलग अलग कर सकते हैं। सर्दियों में क्या होता है स्किन जो है रुखी हो जाती है, तो उस टाइम पर आप जो है ग्लिसरीन वाले साबुन यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है स्किन को। तो यहाँ पर जो है हमारे पास संतूर का इस तरीके का सोप है जिसका नाम है संतूर गोल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सोप का जो है पूरा पैक आता है, 125 ग्राम का एक साबुन है, ऐसे 6 साबुन है और इसकी कीमत जो है 382 रुपये है। तो कुछ इसके आसपास में जो है आपको लोकल मार्केट में या तो ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा, तो जहाँ से भी आपको सस्ता पड़ रहा हो वहाँ से इसको आप खरीद लीजिए दोस्तों। उसके बाद जो है हमारा ये संतूर का 4 गोटियों का पैक है और इसके अंदर जो है एक गोटी जो है 100 ग्राम की है, तो इससे ये गोटी छोटी है दोस्तों। और इसकी जो है कंबाइंड पैक उसकी कीमत जो है यहाँ पे 134 है, ठीक है 134 इसकी जो है कीमत है और एक गोटी की कीमत यहाँ पे अलग से तो कहीं पे लिखी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इंग्रेडिएंट्स कुछ लिखे हैं, सोडियम पाल्मेट, पामेट पाम कर्नेलेट एक्वा हाइड्रेटेड, उसके बाद हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट ग्लिसरीन परफ्यूम और काफ़ी सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें से कितनी चीज़ सही है कितनी सही नहीं है पता नहीं है मुझे भी, तो चलिए जो है इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद जो है हिमालय का आता है, ये जो है नीम और टर्मरिक सोप है कम्बाइन, तो ये जो है ये भी 125 ग्राम की गोटी है, 4 इसमें गोटियाँ आती है और इसमें इंडिविजुअल एक की कीमत जो है शायद लिखी हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक गोटी की कीमत जो है नहीं लिखी है दोस्तों। ओके कोई बात नहीं, और इसके अंदर भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम पाम कर्नेलेट एक्वा ग्लिसरीन हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट परफ्यूम क्रोकस सात्विक सेफ्रोन एक्सट्रैक्टेड, ये सब लिखा तो है, अब इसमें से कितनी चीज़ सही है भगवान ही जाने दोस्तों। चलिए इसको साइड में लगा देते हैं और इसको भी खोल के देख लेते हैं ये कितने का पैक है पूरा। ये 3 गोटी का पैक है 168 रुपीज़ का। तीनों जो है आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आपको जहाँ से सस्ता पड़े वहाँ से आप खरीद लीजिएगा। डीमार्ट में भी शायद सस्ते में आपको मिल सकता है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे तो दोस्तों 4 गोटी का पैक है, ऊपर 4 लिखा था कि 3 लिखा था, ओके 3+1 है, 3 गोटियाँ प्लस 1 गोटी। ओके तो अब जो है यहाँ पे हमारे पास 3 साबुन जो है आ चुके हैं, ठीक है। अब चलिए बारी बारी करके इसको खोल के देखते हैं। तो ये दोनों 125 ग्राम वाले हैं और ये जो है हमारा संतूर का ये जो है 100 ग्राम का है। तो वैसे तो इसके पहले आई थिंक मैंने वीवेल का और डोई का और ऐसे 3-4 साबुन का किया था रिव्यू, और अब जो है इस ये वाला भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों गर्मियों में जो है ना पसीना ज़्यादा आता है, तो खुशबूदार थोड़ा सा साबुन हो तो फ्रेगनेंस बॉडी फ्रेगनेंस काफ़ी सही रहती है, और परफ्यूम ना लगाया हो तो भी बॉडी में से खुशबू आती है। बट फिर भी जो है ज़्यादातर पॉसिबल हो तो ग्लिसरीन बेस वाले साबुन जो है उसको यूज़ किया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये जो है इसको भी हम खोल लेते हैं। ओके वाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का साबुन है, और उसके बाद जो है हिमालय सोप जो है उसको भी हम खोल लेते हैं। तो गर्मियों के अंदर जो है ना नीम के पानी से भी नहा सकते हैं, नीम के साबुन से भी नहा सकते हैं, तो बैक्टीरिया जो है पसीने के कारण जो होते हैं शरीर के अंदर
वो जो है कम होंगे। तो ये रहा हमारा ये वाला, ये रहा ये वाला। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालया की गोटी इस तरीके की है। काफ़ी बड़ा साबुन है दोस्तों, और तीनों को अगर हम साथ में रखते हैं तो आपको पता चलेगा ये 25 ग्राम इसका कम है, बाकी ये 125 ग्राम का है। तो अब जो है इसको देख लेते हैं। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया खुशबू इससे आ रही है दोस्तों। इसका मैंने इसके पहले भी साबुन जो है इसको यूज़ किया हुआ है। तो हमाम का भी एक साबुन आता है नीम का, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ये कॉस्टली रहता है हमाम का। उसके बाद यहाँ पे संतूर का है ये इस तरीके का, तो इसकी भी फ्रेग्रेंस जो है काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में साबुन जो है बनाने की एक कला है, उसको आप अब फ्री में भी सीख सकते हैं, और कोर्स लेके आप 6 महीने या 3 महीने का कोर्स लेके बहुत सारे क्या बोलते हैं कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो है वहाँ पे सिखाया जाता है। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं, है ना, सेल करने के लिए। और बाकी जो है तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसकी भी बेस्ट बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे तेज़ खुशबू जो है ये वाले की है, और ये थोड़ी सी माइल्ड खुशबू है इसकी, बट काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। और ये जो है ये भी काफ़ी सही है। तो तीनों को जो है मुझे लगता है गर्मियों के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका फेवरेट जो है सॉप कौन सा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप। तो यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ नहा के मैं तो दिखा नहीं सकता, और दिखा के आपको तो दिखाऊंगा भी क्या। तो ठीक है ना, आप समझ लीजिए भी आपको जो भी पसंद है साबुन वो आप खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ।